आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शिवसेना के द्वारा नालासोपारा के अग्रवाल में एक जनसंपर्क कार्यालय खोला गया, जिसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने शिवसेना का कंट्रोल रूम कहा। आपको बता दें कि प्रदीप शर्मा यहां से उम्मीदवारी लड़ने वाले हैं। वहीं प्रदीप शर्मा ने खुले मंच से जनता से आह्वान किया कि हम क्षेत्र से गुंडागर्दी खत्म कर देंगे। पालघर जिले में होने वाले 6 विधानसभाओं में से सबसे ज्यादा विवादित विधानसभा नालासोपारा विधानसभा है, क्योंकि यहां उम्मीदवारी के लिए शिवसेना से प्रदीप शर्मा खड़े हैं, जिसके चलते चुनावी प्रचार हेतु एवं लोगों से जनसंपर्क हेतु नालासोपारा अग्रवाल स्थित फायर ब्रिगेड के पास प्रदीप शर्मा द्वारा एक जनसंपर्क कार्यालय खोला गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में शिव सैनिक एवं शर्मा के चाहने वाले उपस्थित रहे। वहीं विधायक रविंद्र फाटक के द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। वहीं उद्घाटन में शामिल शिवसेना नेता वसंत चौहान ने बताया कि इस कार्यालय से लोगों की जन सुनवाई होगी। विधानसभा के लिए ये संपर्क का कार्यालय आज माननीय शर्मा साहब का शुरू हुआ है। इस कार्यालय के माध्यम से नालासोपारा विधानसभा के लोगों की जो समस्या है, वो समस्या के लिए ये जो कार्यालय 24 घंटा खुला रहेगा, और यहाँ पे माननीय शर्मा साहब और यहाँ के शिवसेना के पदाधिकारी इस कार्यालय में इन लोगों की समस्याओं के लिए संपर्क के लिए सदा तैयार रहेंगे। तिथि के बारे में निर्णय हो जाएगा, जो वो निर्णय आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी साहब का है। हाँ, शर्मा साहब यहाँ के प्रत्याशी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जो आदेश पक्ष प्रमुख देंगे उसके आदेश के अनुसार शर्मा जी यहाँ के प्रत्याशी हो गए। विधानसभा चुनाव किन किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? विधानसभा का चुनाव यहाँ के जो महानगर पालिका है और यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है, उन्होंने जो विकास के बारे में यहाँ से दुर्लक्ष किया है, उसी मुद्दे पे यहाँ का चुनाव लड़ा जाएगा। ये कार्यालय यहाँ से 30 साल के लिए कंटिन्यू रहेगा। तो वहीं शर्मा ने बताया कि यहाँ की जनता को बदलाव चाहिए, वो हम लाके देंगे। इसलिए ये रस्ते आए, एक पाऊस आला के रस्ता गायब होतो। मी स्वतः माझ्या डोळ्यांनी बघितलंय। 30 वर्षापासून इथले जे नेते आहेत, शासन करतायत, आपण त्यांना निवडून पब्लिक इथे त्यांना निवडून देत आहे, त्यांचा पाडाव करण्यासाठी मी इथे आलेलो आहे। जनता त्यांना कंटाळली आहे, जनतेला चेंज हवा आहे। एकदा निवडणूक संपल्यावर जनताच त्यांच्याकडनं हिशोब मागणार आहे। वहीं कार्यकर्ता शिवसेना और प्रदीप शर्मा के लिए नारे लगाते दिखे। वहीं खुले मंच से नवीन दुबे ने 30 सालों की व्यथा सुनाई। रस्ते में खड्डा या खड्डे में रास्ता, नल का पानी आता नहीं, गटर का पानी नौकरी के लिए 30 साल अराजकता की है आपने, लोगों को रुलाया है, उन सब का हिसाब चुकाने के लिए मेरा बड़ा भाई आया है। वहीं इस आयोजन के समय प्रदीप शर्मा का पूरा परिवार उनके साथ खड़ा था। नालासोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।